NICU, ये शब्द ही बताने के लिए काफी है कि शिशुओं की देखभाल के लिए नई व्यवस्था इजाद हुई है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जन्म के साथ बच्चों को सुरक्षित रखने से जूझने एवं पलामू से बाहर जाने की मजबूरी से आजादी मिल गई। ये कहीं और नहीं बल्कि अल्पकाल में ही पलामू जिला मुख्यालय में आने वाले स्थल बस स्टैंड में स्थित आनंद नर्सिंग होम में हुआ है, जिसका शुभारंभ अपने नगर में पूर्व नगर उपाध्यक्ष कहें या कहें अपने आवास में दिग्गज परिवार के कर्ता धर्ता मनोज सिंह ने किया। हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमारे डाल्टनगंज में इस तरह का सब लोग जो नौजवान भाई हैं, एक बहुत लोग बेरोजगार लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिला है और आगे इस तरह से यहाँ पे हमारे भाइयों बहनों को बच्चे के लिए जो एक यहाँ पे सुविधा बढ़ी है, इससे बहुत आसानी होगी। जो बहुत परेशानी होती थी, इस तरह का व्यवस्था बहुत कम है। बच्चे का यहाँ से रांची रेफर होता था, आज ये सब परेशानी से लोग बचेंगे, हमारे माताएं बहनें बच्चे के लिए। हम और आगे ये करेंगे, इसको अच्छा से अच्छा ये नर्सिंग होम आनंद अच्छा फैसिलिटी दे और यहाँ के लोगों को समस्याओं का जो परेशानी होती थी वो ना हो। मेडिकल कॉलेज निर्माण के उपरांत हेल्थ हब बनते मेदिनीनगर में NICU की जरूरत हर जन्म लेने वालों को होता था, जिसको लेकर जगत कुटीर के नजदीक रिलायंस ऑफिस के पास स्थित आनंद नर्सिंग होम ने बच्चों को सुरक्षित इलाज देने की व्यवस्था को गति दे दी। तभी तो कांग्रेसी नेता मनोज सिंह ने नर्सिंग होम प्रबंधक की सराहना भी की और उम्मीद भी जताई कि भविष्य में इलाज की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। यहाँ पे आज स्वास्थ्य की सुविधा बहुत खुशी की बात है। हमारे डाल्टनगंज में धीरे धीरे बहुत ही यहाँ पे जो रांची का जो सब लोगों को थोड़ी थोड़ी सी बीमारी के लिए रांची जाना पड़ता था, आज यहाँ पे इतना व्यवस्था है जो डाल्टनगंज दो तीन जिले से लातेहार गढ़वा पलामू के लोगों को लिए यहाँ एक हब हो गया है और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी सरकार यहाँ पे बना रही है। उससे आने वाले समय में हम लोगों को रांची का किसी को इलाज के लिए वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग जो भी स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे कोई भी ब्लड का अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग कितने बार ब्लड डोनेट किए हैं यहाँ पे हमारे युवा साथी लोग और गरीब लोगों को जो यहाँ पे किसी तरह का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो हम लोग उस तरह का ब्लड का व्यवस्था करते हैं, वो लोग को ना दिक्कत हो। और आगे इस तरह का जो भी समस्या होता है हम लोग डॉक्टर से मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द उन लोग को उपचार करने का आग्रह करते हैं और अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करवाते हैं। NICU की अहमियत एक चिकित्सक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, जिसकी प्रशंसा डॉक्टर एसके गिरी इस रूप में करते हैं कि जन्म के साथ ही बच्चों को सुरक्षित करने की कवायद पलामू के लिए लाभकारी साबित होगा। NICU न्यू एड्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोग 28 डेज के पहले तक का बच्चा को इसमें एडमिट कर सकते हैं और एक चूँकि डाल्टन में NICU आए दिन तो बहुत इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसके बावजूद भी जितनी आवश्यकता है डाल्टन में NICU उस रेशियो में अभी भी कमी है। तो एक जो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से रिफंड हो जाते हैं रांची NICU की कमी के चलते या फिर फर्दर ट्रीटमेंट चलते, तो एक बहुत अच्छा साबित होगा अगर आनंद नर्सिंग होम अगर NICU यहाँ खुला हुआ है तो एक यहाँ के NICU में और इजाफा हुआ डाल्टन में इसकी कमी को पूरा किया। जबकि नर्सिंग होम के कर्ता धर्ता आनंद की माने तो स्वास्थ्य के लिहाज से समुचित इलाज की व्यवस्था देने का संकल्प पूरा नहीं हुआ है। मरीज को लेकर उनके परिजन इस विश्वास के साथ आते हैं कि समुचित इलाज होगा, उस भरोसे को कायम रखना कर्तव्य है। हम सुविधा चाहते हैं कि यहाँ मैंने दिन पर दिन बढ़ते जाए, सुविधा पब्लिक को मिले, गरीब गुरबों को दिक्कत ना हो। यहाँ हम लोग NICU का सुविधा देने के लिए चालू किए हैं, इससे ओपनिंग है। यहाँ जो भी बच्चा जन्म ले, यहाँ का हो बाहर का हो, इस हॉस्पिटल में इलाज उसका किया जाएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए NICU का, क्या है कि यहाँ से रांची रेफर करना पड़ता था, बच्चा को सुविधा नहीं मिलने के कारण बहुत दिक्कत होती थी।
जिससे बहुत बेहतर ढंग का सुविधा मिले बच्चा को मिलेगा। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में बढ़ते स्वास्थ्य की सुविधा एवं सरकारी लाभ देने की कवायद सशक्त हुई है, जिसका उदाहरण है आनंद नर्सिंग होम।